आलू के पराठे तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए बिल्कुल नए तरीके से बनने वाले आलू के पराठों की रेसिपी, जो शायद ही आपने पहले कभी खाए हो। एक बार इन पराठों को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि खाने में बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इसे। तो आलू के पराठे बनाएंगे, यहाँ पर 2 कप आटा लिया, उसमें 1 चम्मच तेल डाला है, 1/4 चम्मच नमक डाला है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। तो आटा में बहुत सख्त या बहुत ढीला नहीं गूंदना है, तो धीरे धीरे करके पानी डालें और इसका मैं एक आटा लगा लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसे रख दूँगी, ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 उबले हुए आलू लिए हैं, उसमें 1 बड़ा प्याज जिसे बारीक काट लिया है, धनिया पत्ता इसे भी काट लिया है, उसके बाद 1/2 चम्मच साबुत धनिया ऐड किया, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच यहाँ पर अमचूर पाउडर डाला, इसका टेस्ट अच्छा आएगा, 1/2 चम्मच कुटा हुआ धनिया डाला, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, इसे अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो स्पेशल चीज़ है वो डाली है, पाव भाजी मसाला। तो 1/4 चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला डाला, यानी कि 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डाला, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पाव भाजी मसाले को ज़रूर ऐड करो एक बार, इस तरह से आलू के पराठे में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर लोई लेके इसे बेल लेंगे और थोड़ा सा मसाला रख देंगे, उसके ऊपर यहाँ पर मैंने हरी मिर्च बारीक काट कर और हरा अदरक भी बारीक काट कर डाला, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा घी डालेंगे ऊपर से, ताकि हमारे जो पराठे हैं सॉफ्ट बनेंगे। अब चारों तरफ से गोल घुमाते हुए एक्स्ट्रा आटे को निकाल देंगे और इसे बेल लेंगे गोल घुमाते हुए। तो ये देखिए कितने अच्छे से स्टफिंग चारों तरफ फिल हुई है। तवा गर्म कर लेंगे और नीचे से सिकने देंगे, नीचे से जब ब्राउन कलर आ जाए तो इसे पलट देंगे, ऊपर से अच्छे से घी लगा लेंगे। घी में पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर मैं घी लगा रही हूँ। उसके बाद इसे पलट देंगे ताकि नीचे से अच्छे सिक जाए, तो थोड़ा सा प्रेस करेंगे, नीचे जब सिक जाए तो ऊपर भी इसे घी लगा कर अच्छे से सेक लेंगे। अब पलट देंगे तो देखिए कितना बढ़िया ब्राउन कलर आया हमारा, और कितना बढ़िया लग रहा है पराठा देखने में। तो इसी तरह नीचे सेक लेंगे, अब इसे गर्मा गर्म प्लेट पर निकाल लेंगे। तो एक बार दोस्तों इस तरह से आप पाव भाजी मसाला इसमें ज़रूर ऐड करें, इससे इसका टेस्ट बदल जाएगा और बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। तो एक बार से इस तरह से आलू के पराठे को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं एक और नई रेसिपी लाने के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।